नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों देखिए, बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है न्यू भर्ती को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है, किस किस पोस्ट पर यह वैकेंसी रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, यह सारा चीज पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वो नोटिस दिखाते हैं कि नोटिस कौन सा है और किस किस पोस्ट पर यह वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये नोटिस जारी किया गया है जो कि एक शॉर्ट नोटिस है। यहाँ आप सभी देख सकते हैं, डेट भी दिया गया है 25/6/2022 का ये नोटिस है और क्लास थर्ड ग्रुप सी का ये वैकेंसी है। क्लास थर्ड ग्रुप सी का वैकेंसी है 2022 का। यहाँ देख लीजिए आप सभी, अपडेट किया गया है बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर एंड स्टाफ का ये वैकेंसी है। किस किस पदों पर यह वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पर, तो यहाँ देख सकते हैं अभी, तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं क्लर्क का जो है 4434 पदों पर वैकेंसी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का 1562 पदों पर वैकेंसी है, वेटर का 1132 पदों पर वैकेंसी है और उसके बाद जो कि प्यून का जो है 1673 पदों पर वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के जो कि फ्रेंड 8801 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है, जो कि सबसे बम्पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस फॉर्म को आखिर भर कौन कौन सकता है, तो अगर आप सभी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा बीए पार्ट थर्ड कंप्लीट हो चुका है या बीएससी कंप्लीट हो चुका है आपका या बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा कोई भी परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर पार्ट थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आपके हाथ में है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि ये बेटर हो गया। उसके बाद प्यून के लिए 10th पास ही रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात कलर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ये सभी ग्रेजुएशन पास सहित खोजेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। पूरा डिटेल नोटिस जारी होगा तो बिल्कुल अपडेट आपको कर देंगे। और वाजिब है कि अगर स्टेनोग्राफर दिया हुआ है तो इसमें कंप्यूटर टेस्ट जरूर लिया जाएगा आप सभी, तो ये चीज पर गौर कर लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। अब देख लीजिए इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से क्वेश्चन रहेगा और मैथ से क्वेश्चन रहेगा। तो ये तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और डिटेल में आपको सिलेबस बता देंगे, प्लस में बुक आपको कौन सी पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा तो आप सभी देख लीजिएगा, सारा प्रोसेस उसमें आपको बता देंगे। तो ये शॉर्ट नोटिस था जो कि आपको अपडेट कर दिए, सारा चीज़ आपको दूसरे वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ को समझ चुके होंगे। बम्पर भर्ती है, 8801 पदों पर वैकेंसी है, फिर ध्यान रखिएगा। तो ग्रेजुएशन पास और 10th पास पर ये वैकेंसी है, तो गौर कीजिएगा आप सभी। तो मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। अगर आप सभी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए, जो आपको बताए सिलेबस वही है, मैथ हिंदी और इंग्लिश से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, पर डिटेल में आपको सिलेबस बता देंगे तो जिससे कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद वंदे मातरम। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि जो भी वीडियो आज का नोटिस सबसे पहले प्राप्त हो। इसके फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।